जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। इसके बाद आता है धी। धी शब्द आपने सुना है, कभी धी सुना है? नहीं सुना? आप लोगों ने सुना धी? अरे समधी नहीं सुना कभी? सुना है कि नहीं? समधी बेटे की शादी जहां होती है या बेटी की शादी जहां होती है, और वो लड़के के पिता या लड़की के पिता को एक दूसरे को समधी कहते हैं, नहीं तो सम है और धी है। और धी का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है बुद्धि, विवेक। जहां बुद्धि सम हो जाए, एक जैसे विचार मिल जाए, तो उसको समधी कहा जाता है। और धी पुत्री को भी कहते हैं, बेटी को भी कहते हैं। और एक ही बेटी दोनों आदमी की बेटी बन जाए तो उसको भी समधी कहते हैं। एक ही बहू बनी तो बेटी ही तो हो गई, और एक की बेटी थी तो वो भी समधी है। समाधि ये भी एक शब्द है, समाधि। जहां धी सम हो जाए, समत्वम योग उच्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योग क्या है? समभाव में स्थिर हो जाना योग है। सेम है, चित्तवृत्ति स्थिर होगी तो आप समभाव में आ जाएंगे। तो समभाव में जीना ही योग है। संसार की तरंगे विचलित करती हैं, विकार आते हैं, व्यवहार बिगड़ता है। इन ये तरंगे शांत हो जाएं, जैसे तालाब में कंकड़ मारा हमने, कंकड़ मारा तो बहुत सारे रेपल्स उठेंगे, तरंगे उठेंगी, नीचे की वस्तुएं दिखेंगी नहीं। और जब वो शांत हो जाए तो सब दिखने लगेगा। ठीक वैसे ही चित्त की वृत्तियां जब सम हो जाए, चित्त की वृत्तियां ही बुद्धि है, और उस जब सम हो जाए तो अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के दर्शन होते हैं। धी धर्म है, और धी मतलब नॉट ओनली इंटेलेक्ट बट विजडम। विजडम धी है, विवेक धी है, केवल बुद्धि नहीं। बुद्धिमान तो बहुत है, दुर्बुद्धि भी आ जाती है तो भी तो बुद्धि है, कुबुद्धि आ जाती है वो भी तो बुद्धि है। कभी समय था जब लोग गरीबी के कारण कभी सामान चोरी कर लिया करते थे, गरीब लोग होते थे, बहुत पकड़े जाने पे मारे जाते थे, कई बार हत्याएं हो जाती थी गांव में, चोरों को पकड़ते थे और पकड़े देखे तो समझ में आता गरीब आदमी है, अनाज की चोरी कर ली, बर्तन की चोरी कर ली, छोटे मोटे सामान उठा कर ले गया, गरीबी के कारण, परेशानी के कारण, कोई वृत्ति उसकी चोरी की नहीं। अगर वो संपन्न होता तो ऐसा नहीं करता। लेकिन आज संपन्न लोग चोर हैं। सभी संपन्न नहीं, समझ ले कि हमने सभी संपन्नों को चोर बोल दिया। चोर कहने का मतलब कोई इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई नौकरी में समय की चोरी कर रहा, टाइम पे पहुंचता नहीं है, अपने कर्तव्यों का पालन करता नहीं, विद्यालय में गए हाजिरी बना के लौट आते हैं, चोरी ही तो है। और बुद्धि उनके पास भी है जो जेलों में बैठे हुए एक से एक कंप्यूटर मास्टर है जो बैंक लूटने की प्लानिंग करते हैं, आजकल वहां बैठे हैं। बहुत स्टैंडर्ड ये खेल हो गया, तो उनके पास भी तो बुद्धि है। वर्टन रसल ने एक आर्टिकल लिखा, नॉलेज और विजडम, कि नॉलेज बुद्धि है और विजडम विवेक है, वो धी है, विवेक धी है। तो नॉलेजेबल पर्सन आज क्या करते हैं? नॉलेज तो वो भी है कि शुक्ला जी मिश्रा जी को मिल गए और पूछा वर्मा जी कैसे हैं, बोला अरे मत पूछिए, आपको गाली देते रहते हैं। और जैसे ही मिश्रा जी वर्मा जी से मिले, शुक्ला जी कैसे, अभी तो मिले थे, आपको गाली दे रहे थे। तो वो कहते अच्छा हमको क्या गाली देगा, वो खुद घटिया आदमी है। समाज में विघटन पैदा करने वाली बुद्धि है ये, लोगों को नीचा दिखाने वाली बुद्धि है, सत्ता समाप्त करने वाली बुद्धि है। और इसी के कारण राजनीतिक दुर्बुद्धि से युक्त लोगों ने आज जातिगत मामले इतने बढ़ा दिए, और उस जाति को स्वाभिमान का नाम दे दिया, हमारी जाति, हमारी जाति के लोग मर रहे हैं, हमें अधिकार लेना है, हमें अपनी अलग पार्टी बनानी है। समाज पूरा बिखर रहा है, क्योंकि धी का अभाव है, बुद्धि का अभाव है,
उस विवेक का अभाव है। और विवेक हो तो क्या करें। शुक्ला जी मिश्रा जी को मिले, वर्मा जी के बारे में पूछा, कैसे, बोले बहुत अच्छे आदमी है, आपकी प्रशंसा करते हैं। और जैसे ही मिश्रा जी वर्मा जी से मिले, शुक्ला जी कैसे हैं आजकल दिखते नहीं, अरे अभी तो मिले थे, आप ही के बारे में चर्चा हो रही थी, तो कहते बहुत भले आदमी, समाज में समता आ जाएगी। विवेक अगर हो, विवेक दृष्टि हो, अर्थात धी हो, धर्म धी है, धर्म विवेक है। हम न जाने किस शुद्र अहंकार में पड़े रहते हैं, लोगों को नीचा दिखा दें, कुछ झूठ बोल दें, कुछ तिकड़म कर दें, और बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये पवित्र विवेक ही धी कही जाती है। और धी सम हो जाए, एकदम स्थिर हो जाए, तो उसे समाधि कहते हैं। जो समाधान है, जीवन का समाधान धी के अंदर ही है। चाहे कुछ भी हम कर लें, कितने भी पैसे कमा लें, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साधन कितने भी इकट्ठे कर लें, लेकिन जीवन में सुख और शांति तभी मिलेगी जब हम समाधि में पहुंचते हैं। हमारी बुद्धि जब सम हो जाती है तभी समाधान मिलने वाला। उसके नीचे बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर दर्शन तो समाधि में ही होगा, और जीवन के समस्याओं का समाधान समाधि में ही होगा। यही संबोधि है, यही ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर प्राप्ति, लोग सोचते हैं भगवान के दर्शन, कन्हैया के दर्शन हो गए, राम जी के दर्शन हो गए, ये पूर्णता नहीं है। जब तक ये दर्शन बाहरी हो रहे हैं, द्वैत बचा हुआ है, और हमारे मानस लोक की परिकल्पना में परमात्मा शक्ति अवतरित हुई है, हमने उसके दर्शन किए, यह भी उच्च अवस्था है। लेकिन यह हटने के बाद जब समाधि मिलेगी, जहां विचार नहीं होंगे, जहां परमात्मा ही होगा, तो किसी ने पूछा कि जब विचार ही नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे कैसे, फिर हम करेंगे कैसे, फिर बोलेंगे कैसे। तो कहते हैं कि जब विचार नहीं होता तो परमात्मा बोलता है, वही चलाता है, वही चलता है, क्योंकि आप है ही नहीं। कहते ना, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू ही तू रहे, वही रहता है आखिरी में। और यही समाधि है। सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन उन सिद्धियों को भी छोड़ना पड़ता है। जैसे तीन गुणों में संसार बंधा है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो रजस के द्वारा हम तमस को जीतते हैं। तामसिक का मतलब है आलस्य, प्रमाद, घृणा, द्वेष, लोअर नेचर, नेगेटिव थिंकिंग। और राजसिक का मतलब है पुरुषार्थ, पराक्रम, संघर्ष, साहस, दूसरों को संरक्षण देना और सच्चाई के लिए युद्ध करना, धर्म के लिए मर मिटना, ये राजसिक गुण है। लेकिन इससे भी ऊंचा सात्विक है, कि जहां प्रेम, करुणा, संवेदना, ममता, दया, इसके लिए स्थान हो। तो हम राजसिक द्वारा तामसिक पे विजय प्राप्त करते हैं, और तामसिक राजसिक को जीतने के लिए सात्विक लाते हैं, लेकिन सात्विक समाप्त करके भी हम त्रिगुणातीत होते हैं, तब समाधि में जाते हैं। तो धी धर्म का लक्षण है।